आज हम देखेंगे कड़ाई की सब्जी। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि इसे आपने एक बार बना लिया तो ये आपकी फेवरेट अंडों की डिश में से एक हो जाएगी। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच तेल लेना है। अभी तेल में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 चक्रफूल डालेंगे, उसके बाद 2 हरी इलायची डाल देंगे, 3 लौंग डालनी है और 7 से 8 काली मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा मिलाएंगे और सब कुछ एक बार अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें प्याज मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं। उसके बाद 2 हरी मिर्च डाल देंगे और 2 अदरक के टुकड़े डाल देंगे। सब कुछ अच्छे से भून लेना है। प्याज को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। प्याज हल्का भून गया है तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अभी सब कुछ अच्छे से भून लेंगे। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो जाना चाहिए, तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि वो सभी ओर से एक साथ ब्राउन हो। यहाँ पे जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ वो 2 लोगों के लिए काफी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो अब 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी मिलाएंगे। उसके बाद इसमें 1 टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सब कुछ फिर से मिलाते जाएंगे और प्याज जो है उसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है और जो टमाटर है वो भी थोड़े नरम हो जाएंगे। यहाँ पे प्याज ब्राउन होने से आपकी जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही बढ़िया एक मिठास आएगी। अभी आप देख सकते हो प्याज ब्राउन हो गए हैं। अभी गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और उसमें मिलाएंगे 1 उबले हुए अंडे की गोटी, यानी कि उसका पीला वाला हिस्सा। इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे पीस लेना है। अभी उसी पैन में हम फिर से 2 चम्मच तेल लेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेवी है उसको मैंने पीस लिया है थोड़ा पानी के साथ, और जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसे पीसना है। अभी हम तेल में 1/2 चम्मच लहसुन की पेस्ट मिलाएंगे। अभी ये जो पेस्ट है उसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अभी आप देख सकते हो लहसुन की जो पेस्ट है वो अच्छे से भून गई है। अभी हम इस पे 1 टमाटर मिलाएंगे और 1 शिमला मिर्च मिलाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने थोड़ा मोटा काटा है। यहाँ पे आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो। और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 उबले हुए अंडे, तो अंडों को भी मैंने काट लिया है। अभी हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला मिलाएंगे और उसके बाद 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। सब कुछ एक बार अच्छे से मिला लेना है। अभी हमने जो पेस्ट बनाई थी तो वो डाल देंगे। जब मैंने ये पेस्ट बनाई थी तो उसमें जो खड़े मसाले थे वो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। अभी मिक्सर का जो जार है उसमें भी मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और जो सारी पेस्ट है वो इसमें डाल दी है। अभी ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ग्रेवी को आपको बहुत ही अच्छे से पकाना है। जितना अच्छा ग्रेवी को पकाओगे उतना ही बढ़िया आपकी डिश का टेस्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और जो हमने पेस्ट बनाई यानी कि जो ग्रेवी बनाई उसके हिस्से का भी थोड़ा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी 2 बार डाला है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सब कुछ एक बार मिला लेंगे। ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर से तेल ना निकल आए। तो यहां पे आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आप देख सकते हो इसमें थोड़े बबल्स भी आना स्टार्ट हो गए और जो ग्रेवी है उसमें शाइनिंग आ गई है और थोड़ा सा साइड में तेल भी निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए सभी ओर से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। एक बार सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अभी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अभी सब्जी हमारी तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और उसके बाद इसमें 1/2 नींबू का रस मिलाएंगे। तो नींबू का रस हमेशा आपको गैस को बंद करने के बाद ही डालना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी कड़ाई की सब्जी तैयार है। कड़ाई की ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर मैंने जितनी बात बताई वो सब ध्यान में रखना तो आपकी जो सब्जी है और ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जो मेरी आने वाली रेसिपी है उसे आप देख सको।